नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रीता लगातार समझाती हुई नजर आ रही है अपने बेटे को, लेकिन दोस्तों जल्दी ही आखिरकार प्रीता का होगा आमना सामना लूथरा परिवार से। और बेटे की बात की जाए तो जल्दी ही राजवीर रुकवाएगा आखिरकार शादी को। जी हाँ, पलकी की शादी रोकने के लिए अब राजवीर लेगा एक्शन, क्योंकि दोस्तों राजवीर को किसी भी सूरत में पलकी को अपने पास से जुदा नहीं होने देना है, क्योंकि राजवीर प्यार करता है पलकी से और पलकी प्यार करती है राजवीर से, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो राजवीर को एक्शन लेना जायज़ भी है दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सभी लोग इस समय कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं, और कन्फ्यूजन की स्थिति में वैसे ही नहीं बल्कि इस समय बहुत ही अलग तरीक़ा से नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बात की जाए इस समय बड़ी खबर की, तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा किस तरीका से खुद इस चीज़ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती हुई नज़र आने वाली है प्रीता, की जल्दी ही पलकी की शादी करवाएगी वो राजवीर के साथ में। लेकिन दोस्तों ही राजवीर को मिलेगा लूथरा परिवार से घर आने का इनविटेशन। आप लोग जानते हैं कि घर आने का इनविटेशन के बाद में, क्योंकि राखी माँ बुलाएगी इस समय राजवीर को, और जिसके बाद में सौर्य सोचता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार ये मेरे घर में क्या कर रहा है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि राजवीर का और सौर्य का अभी तक जितना भी बार मुलाकात हुई है 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि एक दूसरे को दोनों ही पसंद नहीं करते। क्योंकि राजवीर को सौर्य अच्छा नहीं लगता, उसकी हरकत सही नहीं लगती है, और सौर्य तो हमेशा अपने पैसे के घमंड में चूर ही रहता है, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं बल्कि वो एक तरीका से गरीब लोगों को बुरा मानता है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए गाइज कैसे लग रही है मेरी वीडियो, कि आपने मेरे को वाकई में इतना सपोर्ट किया है। गाइज दिल से धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए।